अच्छा ये बताएं कि कभी कभी इंसान को फिर भी सोच कभी कभी आ जाता है, तो कंट्रोल कैसे पाते हैं आप, कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल कैसे करते हैं जी इसको? अपनी तरफ मतलब मैं अपने जहन को उस तरह से मतलब तवज्जो जो है ना वहां से हटा देती हैं अपनी, तो अच्छा तवज्जो हटा नहीं मतलब है लेके जाते, तवज्जो उस तरह मतलब अपने आप को बिजी कर लेना चाहिए उसमें, मतलब जितना उसकी तरफ मुतवज्जो होगा उतनी तरह वो अपने ऊपर हैवी हो जाएगी, जितना सही मतलब उससे तवज्जो हटाएगा इंसान तो उतना मतलब उससे निकल जाएगा मतलब। सही 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 यानी तवज्जो आपके फोकस्ड रहे अच्छाई पे, तो हाँ बिल्कुल फोकस एग्जैक्ट यस माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। यानी फोकस कभी कभी नहीं रह सकता इंसान, तो वो क्या हाँ करे? ठीक है आपकी बात सही है जी। कभी कभी नहीं रह सकता है तो क्या करे वो शख्स जो फोकस नहीं रह सकता है कभी कभी, तो क्या ये किस तरह के हम आप फोकस रह सकते हैं? हम कितना फोकस रह सकते हैं उस पर? जी उसका मतलब है हम अपने जो हालात है ना उसके बारे में मतलब है हम है ना प्लस में मतलब है सोचना चाहिए हमें, प्लस में हम जितनी से जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं ना प्लस की तरफ, सही माइनस माशा की तरफ बिल्कुल बिना कोशिश ही ना करें, मतलब अपने जहन को मतलब उस पर ले जाने से कंट्रोल करना, मतलब अपने जहन पे इतना मतलब है वो कंट्रोल हासिल कर लें उसमें। लेकिन एक शख्स जितना भी वो चाहता है, एक कुछ लोग तो मुस्बत सोच के साथ आदि हो चुके होते हैं, वो मुस्बत सोचते रहते हैं और जिंदगी भी उसकी बड़ी मुस्बत बन जाते हैं। कुछ जी लोग आदि हो चुके हैं मनफी सोच के साथ। अब मनफी सोच को कैसे दूर किया, किस तरह के हम इसको काबू पा सकते हैं इस पे, या इसको कम इसके फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं? तो ये यानी आपका मतलब है कि सिर्फ फोकस्ड रहें अच्छाई पे, अच्छे सोच पे, अच्छे सोचें। अच्छा जी तो ठीक है, अच्छे सोच होता क्या है, वो कैसे आप कैसे सोचते हैं? मिसाल के तौर पे आप कहते थे आपको मैदे का प्रॉब्लम था, और जब आपने अच्छा सोचना शुरू कर दे तो आपकी मैदा ठीक हो गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल है जो नाज़रीन सुन रहे हैं इसके लिए, कि वाकई मनफी सोच सेहत को ख़राब कर सकते हैं। जी मैं आपके आपके शो में जब मैंने आपको अटेंड किया ना, मैंने पहला शो आपका ना जी असाइन जो मैंने अभी पिंडी में अटेंड किया, तो मैं मेडिसिन लेती हूँ ठीक है ना, मैंने एक मेडिसिन ली लिप्रेस, अच्छा लाख हाँ और मेरे को ना सबको कंट्रोल करती है वो, उसमें मैं जब पीसी के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन फील हो रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन ना, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट है कि जी जी बिल्कुल सर और फिर जब मैंने ये अपनी मैंने मेडिसिन खा के बैठा ना, फिर मैं मजबूरन जब मुझे इतनी ज्यादा टेंशन फील होती है मैं कहता तो बाहर निकल जाऊं मैं ना, अच्छा अच्छा सही ब्लड सर होती है मेरा मैदा अपसेट होता है। अच्छा उस दिन तो मैंने खाई किया, आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया आपने मुझे क्यों किया, नेक्स्ट डे जब मैं आया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिसिन नहीं मैंने लिया, कितना अरसा हुआ? ये अभी पिंडी में है ना, पिंडी अच्छा में जब अच्छा अभी जो आपने शो किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, जी बहुत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने जो है ना मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दिया, आप यकीन माने उस दिन जो मैं आया हूँ ना मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हूँ वहाँ पे, मुझे अल्लाह का कोई शुक्र टेंशन नहीं फील हुई किसी तरह की भी, हालांकि मेरे पे वही आप वाली बात है कि मेरे पे टेंशन हो रही थी मुझे, सही लेकिन मैं अपने आप को मतवज्जो नहीं कर रहा था उस टाइम, मैं आपकी तरफ तवज्जो दे रहा था, जो आप बता रहे थे मुझे जो आप गाइड कर रहे थे हमें, हम उस पर मैं उस पर तवज्जो दे रहा था सारी, सही माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो बहुत उसके साथ साथ आपने हमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसके जो मतलब है संभा 1 2 मतलब है इसके साथ 4 3 जो उस पर भी अमल कर रहे हैं अपने, वो एनर्जाइज करता हूँ मैं पानी वगैरह को और जी इसका माशा घोल वगैरह को भी एनर्जाइज करूंगा आइंदा से, तो वो भी सही यूज करूंगा, चलो उससे भी काफी फर्क पड़ रहा है मुझे। और अच्छा एक अच्छा मेरी खाला है उनको शुगर पेशेंट भी है, उनको एक दो प्रॉब्लम्स हैं, तो जब मैंने आपका दूसरा शो अटेंड किया तो 3rd डे मैंने उनको थोड़ा सा ये एनर्जाइज करके दिया पानी, तो नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा उनको, उन्होंने एक दिन पानी यूज किया, मैंने नेक्स्ट डे उनसे पूछा मैंने कहा हालात की कैसी तबीयत है, तो कहने लगी अब मेरी तबीयत काफी बेहतर है, मैंने कहा मुझे सही सही आप बताएं, मुझे ये नहीं कहता मैं आपका भांजा हूँ, आपको मैंने अगर मैंने ये दम करके दिया पानी तो आप ये ना समझे कि मैंने दिया तो आपको मतलब आप मतलब 100% ठीक ही होनी चाहिए, कह रही नहीं मुझे बहुत फर्क है, 60-70% मुझे फर्क है उससे पानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, एनर्जाइज करने से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अच्छा कभी कभी कुछ ऐसे एनर्जीज होते हैं जो कि हम पाने में फोकस करते हैं, जी और जी वो मुस्बत एनर्जी हमारे सेहत के बायस बन जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल होती है? दोबारा रिपीट करें, मैंने जरा सुना है कभी तो कभी बीच हम में बात बीच में पानी को कर एनर्जाइज करते हैं और
पानी को हम जब एनर्जाइज करते हैं तो वो कौन से एनर्जी होते हैं जो पानी में जाके और हमारी सेहत को अच्छे करते, फिर हम पी लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, वो क्या है? यही आपकी क्या कहते हैं इसको, समुदाय हीलिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। जी जी ठीक, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, यही मैं बात कर रहा था कि अभी पता चल जाता है मनफी और मुस्बत सोच के, कि कुछ लोग अच्छे सोच रखते हैं और पावरफुल सोच रखते हैं। अगर आप नहीं आते हमारे पास, देखिए शिफा, कहाँ अल्लाह ताला ने लिखा था, यही पे लिखा था ना, बिल्कुल अल्लाह ने, और आपने तलाश किया, आपको अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया डॉक्टर, ये भी एक आपके मेरे लिए भी हैरानगी की बात है, आपके लिए तो शायद ना, मेरे लिए है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने आपका मतलब प्रोग्राम में आपका देखता था, मुझे समझ नहीं आती थी क्या कह रहे हैं ना आप। अच्छा, समझा और ये वो आप जब कहते थे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आप क्या कहते हैं, लेकिन जब मैं आपका प्रोग्राम एक दो देखा है, मतलब लोगों ने कॉल वगैरह की, मतलब फलाना पेशेंट ठीक हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ ना, तो मैंने मुझे एक चीज मतलब फील हुई कि मैंने कुछ है इसके अंदर ना, क्या कहते हैं इसकी ज्यादातर कुछ चीज है आपके अंदर, कुछ आप बताते हैं कोई ऐसी आइटम है मतलब है उसमें कुछ है पावर किसी चीज के अंदर जो आप बता रहे हैं और लोग उससे मतलब मुस्तफीद हो रहे हैं, तो मैं इसलिए मैंने चाहा कि आपसे मिलूं। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि डॉक्टर के पास जाओ और उनसे बात करो और वैसे करते हैं वैसे करते हैं, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं अपने जेन से बस अल्लाह पाक ने मेरे जेन में डाला, मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ना मतलब ऐसी कोई चीज अता फरमाए जिससे मैं मतलब है अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, मतलब है जो भी मुझे तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी बात है कि आपको अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है और आज आपकी सोच में अल्लाह ने इतना फ़र्क रखा है, इतना अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आज तो ये ओवरऑल आपसे जो गुफ्तगू हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये हकीकत है कि मनफी सोच सेहत को ख़राब करती है, कोई शक नहीं। हाँ ठीक है, बस तो मैं एक दुआ पढ़ता होता हूँ ना, आप बताइए, मैं आपको भी शायद पता हूँ इससे ज्यादा इलम हो जी, लेकिन ये हसीबुल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम ना जी, जो जिस मकसद के लिए भी इंसान पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसमें जो है ना बरकत अता फरमाते और वो काम इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसका कर देते, अल्लाह कर देते, बहुत अच्छी, दिल से करे बेशक वो जुबान से ये अल्फाज पढ़े, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने चलो अच्छे टिप भी बता दिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत खुशी आपसे बात करके, आपसे वैसे ही मेरा बड़ा दिल चाह रहा, जिस दिन से आपसे आए हो ना कोर्स करके, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम बातें करते रहेंगे, याद रखा करें हमें, बिल्कुल इंशाल्लाह बातें करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम जल्द आएंगे पिंडी, फिर मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। मैं लास्ट में आपको बताया था मिलने के लिए, मैंने कहा डॉक्टर से मिल जाऊं, तो मैं आया था जी, 9 जुलाई को आएंगे इंशाल्लाह, 9 जुलाई को पिंडी आएंगे इंशाल्लाह, 9 जुलाई को चले ठीक है इंशाल्लाह, जरूर मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिएगा आप, यू आर वेलकम, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज जी। अब ये इनसे ये नतीजा निकला कि वाकई मनफी सोच हमारी सेहत को खराब करती, देखिए कभी अगर आप गुस्से क्या कैफियत में हैं तो आपकी सर दर्द या कोई बॉडी में अजीब से हलचल मची होती है, खाना जी नहीं चाह रहे होते हैं, या कभी कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बुरे अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं इंसान से और इंसान के रवैया ऐसे हो जाते हैं जैसा कि बिल्कुल भी जो कि किसी भी मखलूक में नहीं होती है, उस दिन आप देखें कि आपके सेहत का कैसी कैफियत कैसी हालत है, और अगर मेडिकली टेस्ट लिया जाए उस दिन जिस दिन आपने गुस्सा किया, लोगों पे इतना असर उसके नहीं होता है जितने कि आपके अपने सेहत पे होती है। इसी तरह अगर आपने मनफी सोचा, मनफी सोच रखा अपने फैमिली वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बिजनेस की जो ताल्लुकात है उसके लिए आपने सोच गलत रखा, मनफी रखा और तखरीबी रखा, तो उस सूरत में इंसान की ज़िंदगी पे सबसे पहले ख़ुद बहुत बुरा असर करते हैं।
तो ये साइंस के हवाले से भी है और ये दीन के हवाले से, तो कहते हैं कि अच्छे सोचे अच्छी इबादत होती है और मनफी सोचे शैतान से आती है। अच्छे सोच जो है ना वो फरिश्तों का अल्लाह की तरफ से आती है। एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल, इंशाल्लाह ये बहाल हो जाएंगे। सोच अच्छे रखनी चाहिए और सोच मनफी सोच अगर आपकी है, हर चीज़ के बारे में आप मनफी सोचते हैं। कभी कभी अच्छे अच्छे लोग होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप उनके अच्छाइयों को इग्नोर करते हुए उनकी जो छोटी छोटी बुराइयां हैं उसको ऊपर लाते हुए उससे पहाड़ बनाते हैं और उनके अच्छाइयों को फेंक देते हैं, और उससे कोई आपकी नज़र में उसके लिए कोई अच्छाई नहीं होता, क्योंकि उसने एक सलूक बुरा किया तो आपको सारा असर बुरा लगा। ये क्या वजह? क्योंकि आपके अपने नियत जो है वो मनफी है, इसलिए आप में कोई और अच्छाई नज़र आते ही नहीं है इंसान में। तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए? आपको अच्छे सोच रखे, बेहतरीन सोच से अपने नेगेटिव सोच को रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये होता है एक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज ऐसा है कि सुबह दोपहर शाम बैठ के, एक मुस्बत सोच के प्रोग्राम में भी बताया था आपको कि बैठ के आप थोड़ी देर के लिए सुबह दोपहर शाम, बेशक आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जितने मिनट आप बैठ सकते हैं आँखें बंद करें, गहरी गहरी सांस लें, रिलैक्स हो, रिलैक्सेशन की कैफियत में जाएं, थोड़े और माइंड को रिलैक्स करें, दिल को रिलैक्स करें, और फिर उसके बाद बॉडी को ढीला छोड़ दें, बॉडी को ढीला छोड़ दें और रिलैक्सेशन महसूस करें। उसके बाद आप सोचें अपने एक्सीलेंस पे जो आपकी मिली है, जो आपको अच्छाई है आपके अंदर, उस पर फोकस्ड रहें, और आपके इर्द गिर्द जो अच्छाई हो रहे हैं उस पर फोकस्ड रहें। और रात को सोने से पहले आप जितने भी दिन में अच्छाया किए हैं उस पर फोकस्ड रहें, आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है और साथ साथ आपकी मुस्बत सोच के फ्रिक्वेंसी हाई होते हैं और मनफी सोच को नीचे गिरा देते हैं और वो फिर उठ नहीं सकते हैं। एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन बात करें? मैं हकीम मोहम्मद साबिर की बात कर रहा हूँ, हफ्जाबाद से। हकीम मोहम्मद साबिर सिद्दीकी। साबिर सिद्दीकी, माशाल्लाह जी। साबिर सिद्दीकी साहब, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? क्या मनफी सोच सेहत को खराब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं हमारा काम एक मतलब काम है, तो हमारे पास जो अक्सर मरीज आते हैं वो सिर्फ ज्यादातर अपनी मनफी सोच की वजह से आते हैं, क्योंकि मनफी सोच ना सिर्फ जिस्म को बीमार करती है बल्कि ये उनका का असर मिलने जुलने वालों पर भी डालती है। तो अच्छा अच्छा बल्कि मैं उनको फिर समझाता हूँ कि मदद ने भी हमें हंसा गोज कीना रिवत से बचने के मुतालिक अहकाम दिए हैं। अच्छा अच्छी अच्छा सोच जो है वो अच्छे माशरे की तश्कील करती है, जबकि बुरी सोच जो है या तो हमें हॉस्पिटल में पहुंचाती है या फिर जेल तक भी पहुंच सकता है आदमी। सही सही सही, बिल्कुल सही फरमा रहे। अच्छा तो क्या ये सोच के कौन से बीमारियां ज्यादा मनफी सोच से इंसान को लाहक होती है? मन की सोच में तो वैसे तो बहुत सारी ऐसे अवामिल हैं, लेकिन अगर आप किसी से हसद करेंगे तो हसद की वजह से आपके गुर्दों पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि अल्सर का मसला आपको हो जाता है, और जहाँ अगर आप गुस्सा करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर आपका हाई होने लगता है और उस तरह का भी गुर्दों पर बुरा असर पड़ता है। सही। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successive formula. Learn world most powerful healing energy Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing.
and connect with the nature. Control and enhance your mind power through a natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.